हेलो एवरीवन, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज यस मिस। ओके, ग्रेट। अच्छा ठीक है, अभी लास्ट टाइम, अभी बहुत दिन के बाद में मेरा लेक्चर है, तो बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने, याद है क्या? अपना ग्रेविटेशन चैप्टर, राइट? ग्रेविटेशन, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैड स्टडीड, हमने क्या क्या पढ़ा था? अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया था। यस, टेल मी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैड स्टडीड लास्ट टाइम इन द प्रीवियस क्लास, यस है ना? तो मैं एक जरा रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है? तुम लोग मुझे बताते जाना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जरा ध्यान से देखो, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? व्हेन देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एम वन एम टू मासेस है उसका, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, ठीक है? तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूटन ने बोला कि इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। देन ही सेड एफ, अगर प्रोपोर्शन हटाना है, इक्वल साइन डालेंगे, ठीक है? इक्वल टू कितना होगा, ये कांस्टेंट लेंगे हम लोग, कैपिटल जी, देन एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। देन व्हाट इज दिस कैपिटल जी, ही सेड, एनीबडी, व्हाट इज दिस कैपिटल जी, गिव मी आंसर। कॉन्स्टेंट ग्रेविटी। हाँ, नहीं, पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। करेक्ट। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? वैल्यू याद है किसी को? हाँ यस मिस। बोलो, बताना। सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन हाँ, इंटू 10^-11। परफेक्ट। यूनिट याद है? यूनिट एम स्क्वायर अपॉन, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर केजी स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। परफेक्ट, स्क्वायर। यस ज्योति का, ठीक है? तो ये हो गया कैपिटल जी के बारे में। सो ये कंप्लीटली हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, बोलो? यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन, करेक्ट? या तो ऐसे लिखेंगे, और इफ यू राइट स्पेलिंग इट शुड बी स्मॉल, राइट? तो लास्ट लेक्चर में डिटेल में हमने पढ़ा था पूरा, ओके। फिर देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद में हमने दो तीन कंसेप्ट पढ़ा था। वन वॉज कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? किसी को पता है इसके बारे में? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। देन वी हैड स्टडीड बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? क्या था ना? यस हाँ, कैन यू जस्ट टेल मी कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, है ना? यस हाँ, तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, तो जो फोर्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि व्हेन वी वॉक, है ना, जब वॉक करते हैं, राइट? सो अपना फीट, राइट, एंड ग्राउंड बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, बराबर है कि नहीं? करेक्ट? यस हाँ, टायर एंड रोड बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। देन ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. हाँ परफेक्ट परफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करेक्ट, बराबर है. यहाँ पे बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती है ना, रिपल्शन अट्रैक्शन में कांटेक्ट में नहीं होती, राइट. ओके तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्लियर हो गया. फिर हमने पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड फोर्स मतलब दोनों का इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स. वेरी गुड. ऑन अ बॉडी व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन बॉडी, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, करेक्ट. सो ये हो जाता है बैलेंस्ड फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, करेक्ट. अनबैलेंस्ड फोर्स में एफ वन माइट बी ग्रेटर देन एफ टू, और एफ टू एफ वन माइट बी लेस देन एफ टू, है ना. अगर एफ वन ग्रेटर है एफ टू से, एफ वन ग्रेटर अगर है, सो वॉट विल हैपन, बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी. हाँ बराबर, एफ वन के डायरेक्शन में. हाँ एफ वन के डायरेक्शन में मूव होगा. अगर एफ वन लेस है एफ टू के डायरेक्शन में, फिर बॉडी मूव होगा, राइट. ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स. ये कंसेप्ट इतना मालूम होना चाहिए. फिर हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट, केपलर्स लॉस पढ़ लिया था. यस. हाँ तो केपलर्स लॉस क्या था, केपलर्स लॉस में ये भी हमने पढ़ा था, राइट. थ्री लॉस थे ना, पहला कौन सा. यस मैम. लॉ ऑफ ऑर्बिट. परफेक्ट, लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो लॉ ऑफ ऑर्बिट अगेन एवरी प्लैनेट, है ना, रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, एट वन ऑफ द फोकस वी कैन सी, बराबर. यही था ना. यस मिस. याद है, थोड़ा सा लिख के पढ़ना है बेटा. हाँ ओके. ये लॉ ऑफ ऑर्बिट that every planet revolves around sun in an elliptical orbit, right? Where sun is at focus. Then, दूसरा वाला था, दूसरा क्या था? Law of area. हाँ, law of area. क्या था? Law of area. Can you explain? Anyone? Law of area. The straight line joining sun and planet. हाँ, the straight line joining sun and प्लैनेट, करेक्ट. स्वीप्स आउट, है ना, प्लैनेट यहाँ से यहाँ चला गया, ये भी लाइन ज्वाइनिंग, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट. प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग, प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग, करेक्ट. ये स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट. देन द थर्ड वन वॉज, what was that, law of time period. Law of time period, correct. So law of time period mein kya formula tha, t square proportional to r cube, है ना. स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके करेक्ट. ये केपलर्स लॉस कंप्लीट हो गया. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द होल थिंग, ठीक है. देन हमने पढ़ा था यू सी एम के बारे में, मतलब फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब क्या है इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीनिंग सर्कुलर body moves in a circular motion at a constant speed. Perfect, constant speed. ये important point हो गया, बराबर है. Constant speed. Body revolving in a circular motion at constant speed. ठीक है. Okay. So इसके अंदर में हमने पढ़ा था one concept CPF.
मालूम है क्या है ये? व्हाट इज द सीपीएफ मीनिंग? सेंट्रीपेटल फोर्स. हाँ करेक्ट, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट. सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. वेरी गुड, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना. तो सेंट्रीपेटल फोर्स सब में है जो भी गोल घूम रहा है, बराबर. अगर मैं बोलूंगी ये सन है और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, बराबर है, तो अर्थ के अंदर कौन सा है? सेंट्रीपेटल फोर्स, तभी वो गोल घूम रहा है, बराबर है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स में सेंट्रीपेटल फोर्स है, तभी वो गोल घूम रहा है. तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इट हैज सेंट्रीपेटल फोर्स, करेक्ट. देन उसके बाद में फोर्स का फॉर्मूला होता है एम जी, करेक्ट. सो वेट ऑफ द बॉडी, या तो ये अर्थ का जो है टुवर्ड सेंटर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है एम जी, करेक्ट. इसमें जी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस जी मीनिंग? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. सो अगर मैं ये दोनों को इक्वल करूं, ये दोनों फोर्स किसके पास है? अर्थ के पास है ना, राइट. सेंट्रीपेटल फोर्स भी अर्थ के पास है, एम जी भी उसके पास ही है ना, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना हम लोग. सो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. आई कैन राइट दिस एम एम कैंसल. सो जी इज इक्वल टू, हाँ ये दो, ये सेंट्रीपेटल फोर्स और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है. तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी आ जाता है. और एक मिनट, तुम लोगों को जो है ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर्मूला एंड एफ इज इक्वल टू एम जी, है ना. वेट ऑफ द बॉडी, अर्थ का जो वेट होगा विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ओके. अच्छा, उसके बाद में हमने ये वाला निकाला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये फाइंड आउट किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यस और नो? कैन यू ऑल हियर मी? इसका निकाला था कि नहीं निकाला था? किया था हमने ये वाला फॉर्मूला? यस मिस. हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि ये किसका निकालना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का, करेक्ट. सो अगर सपोज मैं बोलूं कि अर्थ एंड देयर इज अ प्लैनेट, करेक्ट. सो प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना. Planet revolves around Earth in an circular orbit. So, planet का weight किधर add करेगा? Towards center. बराबर. तो ये हो जाएगा force is equal to mg of planet towards the center. लेकिन Earth एक body हो गया और planet another body. तो दोनों के बीच में भी force है कि नहीं है? वो force कितना है? Newton ने दिया था जी, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है. दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर लेते हैं से स्मॉल आर, सो क्या आ जाएगा? एम वन एम टू ना, एम एम लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट. सो वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, और अर्थ और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स है ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा.
तो दोनों को इक्वल करेंगे, एम जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. सो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसमें जो स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है ना कंप्लीटली. अगर ये प्लैनेट इधर आ गया तो, पास में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस चेंज हो गया. इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू अगर कैपिटल आर हो गया, मतलब इट इज वेरी क्लोज, तो हम लोग लिख सकते हैं. बराबर, ये पार्ट समझ में आया सबको? यस मिस. स्मॉल जी का वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम ऑल दिस, राइट. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्मॉल जी का फॉर्मूला, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर अर्थ का पूछेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करने का, आइदर दिस और दिस, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस क्या दिया है. तुम लोग लिख रहे हो कि कैसा, मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेजू? यस, पीडीएफ. ओके, तो ये पॉइंट्स फिर भी थोड़ा जॉट डाउन ध्यान में रखना, ठीक है. अच्छा, अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, मतलब वेरिएशन ऑफ जी का मतलब क्या है, जी वैल्यू कैसे चेंज होता है. एक तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन चेंज ऑन अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वाला ले लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ को ये पार्ट को बोलते हैं इक्वेटर. क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर. और ये पार्ट जो होता है ये पार्ट जो है, बराबर है, इस ये जो है इसके अलोंग ये एक्सिस ऑफ जहां पे अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बराबर है. तो ये जो हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, ये वेस्ट एंड ईस्ट, करेक्ट. सो अगर जी वैल्यू सपोज इक्वेटर पे है, ठीक है, इक्वेटर पे जी वैल्यू इज लेस, इक्वेटर पे जी वैल्यू इज लेस, और नॉर्थ पोल जैसे पोल पे जाएंगे ना, ये पोल्स पे, पोल के पास जाएंगे अगर, यहाँ पे जी वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है. पोल पे जी वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम. ठीक है, तो दिस इज द चेंज अलोंग सरफेस, मतलब एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, बराबर है, इक्वेटर से पोल के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी विल इंक्रीज, यस और नो, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जैसा जैसा इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाएंगे तो जी वैल्यू विल इंक्रीज, ये चेंज हो गया, राइट. As we
go from pole to equator, है ना? What will happen? G will decrease. ये याद रहेगा कॉन्सेप्ट? Yes, miss. Have you all understood or not? So, वैल्यू मिनिमम होता है इक्वेटर पे एंड मैक्सिमम होता है पोल पे. क्यों होता है मिनिमम इक्वेटर पे? क्योंकि मालूम है ना, अर्थ थोड़ा सा बल्जी है. थोड़ा सा अर्थ का शेप कैसा है? बल्जी है, बराबर है ना? इक्वेटर पे रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है और पोल पे कैसा होता है? सप्रेस्ड होता है थोड़ा सा. तो यहाँ पे रेडियस थोड़ा क्या होता है? कम होता है. समझ में आया? तो जी वैल्यू जो है मोर होता है, मैक्सिमम होता है, बिकॉज डिस्टेंस कम हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है. सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाता है. ये सेंटर है ना, ये पार्ट हो गया सेंटर, बराबर है? इक्वेटर सेंटर से दूर होता है तो जी वैल्यू कम होता है, बराबर है? पोल जो है सेंटर से पास में है, इसके लिए जी वैल्यू मोर है, इट इज हायर. इक्वेटर पे जी वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 9. इक्वेटर पे जो जी वैल्यू है, हाँ, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इक्वेटर पे, ठीक है? यही पोल पे जो है जी वैल्यू होता है 9.83 के आसपास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया सबको? ये हो गया चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ. इतना पार्ट ध्यान में रखोगे तो पूरा लिख सकते हो उसके बारे में. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मिस. ये पार्ट नहीं पढ़ाया था ना मैंने लास्ट टाइम? नो डिट. हाँ, इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट वेरिएशन क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट वेरिएशन चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ. अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वेरिएशन. सेकंड वेरिएशन है चेंज विथ हाइट. चेंज विथ हाइट मतलब हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करने पे क्या होता है जी वैल्यू को. अगेन ये हो गया अर्थ, ठीक है? ये है उसका रेडियस. अभी ये है प्लैनेट. ठीक है, ये हो गया प्लैनेट. Not getting as ये प्लैनेट हो गया, ठीक है? मैं डॉट से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? अभी ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? से हाइट मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है? एच पे है हाइट. ओके, सो जैसा जैसा हाइट इंक्रीज होगा जी वैल्यू डिक्रीज होता है. अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होते जाएगा ना, जितना जितना दूर जाएगा, राइट, उतना अट्रैक्शन कम होते जाएगा. सो एज हाइट इंक्रीजेस जी वैल्यू डिक्रीजेस. तो यहां पे और कम, अगर हम लोग बोलेंगे कि सरफेस पे कितना होगा, सपोज प्लैनेट यहाँ पे आ गया ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे, तो इसमें जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर. ये रेडियस ऑफ अर्थ है, बराबर है? रेडियस ऑफ अर्थ
जो है अगर सपोज सिर्फ 10 किलोमीटर्स का फर्क आया, जैसे कि इतना पे चला गया फॉर एग्जांपल, मतलब ये रेडियस है और हाइट सपोज ये हाइट पे गया, तो मतलब हार्डली 10 किलोमीटर गया है ना, तो जी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इट विल रिमेन सेम, जी विल रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा, बराबर। लेकिन अगर 4000-5000 किलोमीटर दूर जा रहा है तो जी वैल्यू विल चेंज, बराबर है। एज हाइट इंक्रीजेस जी वैल्यू डिक्रीजेस, ओके, एज हाइट इंक्रीजेस जी वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये हो गया चेंज विथ हाइट, जितना सरफेस से दूर जाएंगे, राइट, एज वी गो अबव सरफेस, अबव सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, व्हाट विल हैपन, जी डिक्रीजेस, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है चेंज विथ हाइट वाला। सो जो एरोप्लेन वगैरह होता है वो सरफेस से कितना डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो है मूव करता है, बराबर है ना, एरोप्लेन वगैरह, बराबर है। तो जी वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होता है, राइट। लेकिन मालूम है सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, करेक्ट, तो सैटेलाइट ग्रेटर डिस्टेंस पे, तो वहां पे जी वैल्यू कम होता है, जी वैल्यू कम होता है, तो वहां पे बॉडी जो भी है वहां पे जो है ये होता है, फ्लोट होता है बॉडी, और दूसरा भी रीजन है उसके लिए, ठीक है। तुमने देखा है कि नहीं मूवी, देखा है ग्रेविटी, ग्रेविटी कितने जने देखा है मूवी, यस, हैव यू ऑल सीन ग्रेविटी, किसी ने भी नहीं देखा है, वो बहुत अच्छी मूवी है, मतलब सैटेलाइट के ऊपर पूरा कम्प्लीटली है, एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में जाते हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स होती है ना, सैटेलाइट मतलब स्पेस में जो भी चीज ब्रेक होती है, जो भी होती है वो पूरा सर्कल में ही घूमती है, बिकॉज उसके अंदर कौन सा फोर्स आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो गोल गोल ही घूमता है पूरा। So if you get a chance, you see this movie, okay? It is nice. So change with height का मतलब हो गया, समझ में आया, जैसा surface से surface of the earth से जितना दूर जाएंगे g value will go on decreasing. Then comes the third वाला change, ये है change with depth. थर्ड चेंज होता है वो है चेंज विथ डेप्थ, मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अर्थ के अंदर, जैसे बॉडी यहाँ पे रखा है, ये है बॉडी, ठीक है, ये जैसा जैसा अर्थ के अंदर, मतलब एक टनल बना के अर्थ के अंदर जा रहा है, बराबर है, बॉडी जब अंदर अंदर डेप्थ में जाएगा, यहाँ पे बॉडी अगर डेप्थ में चला गया, सो जी वैल्यू विल चेंज, मतलब ये हो गया डेप्थ, ठीक है। सो वी कैन से दैट एज डेप्थ इंक्रीजेस, बराबर, जितना अंदर डीप जाएंगे जी वैल्यू डिक्रीजेस, मतलब जितना डेप्थ में जाओगे, ठीक है, ये उनका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, जितना डेप्थ में जाओगे जी वैल्यू विल डिक्रीज, बराबर है। इसीलिए एक और मूवी थी सेंटर ऑफ अर्थ, सो वहां पे भी पूरा दिखाते हैं कि जैसे जैसे सेंटर के पास जाता है ना बॉडी, सेंटर के नजदीक नजदीक में जी वैल्यू कम होते जाता है, वहां पे बॉडी फ्लोट होता है, ठीक है, वो मूवी में वैसे दिखाया हुआ है, वहां पे बॉडी फ्लोट हो रहा है बिकॉज जी वैल्यू कम होते जाता है जितना सेंटर में, सेंटर के पास जाएंगे,
एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ जी वैल्यू जीरो होता है, ये सेंटर पे जी वैल्यू जो होता है वो है जीरो. ओके, सो डेप्थ में क्या होता है, जितना डीप जाएंगे, सरफेस पे जी वैल्यू जो है हमने पढ़ा था ऑलरेडी, सरफेस पे जी वैल्यू कितना होता है 9.8 पकड़ लो, जितना अंदर अंदर जाएंगे जी वैल्यू कम होते जाएगा और सेंटर पे जी वैल्यू इज जीरो. ओके, सेंटर पे जी वैल्यू इज जीरो. क्लियर, बिकॉज हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. मतलब डिस्टेंस कम कम होते जा रहा है यहाँ पे. सॉरी, ये रिलेटेड, ये वाला पार्ट आ जाएगा उससे रिलेटेड, ये डेप्थ से है ना, डेप्थ वाले में फॉर्मूला उसका अलग है जो तुम लोगों को डिराइव नहीं किया यहाँ पे. एक्चुअली डेप्थ का फॉर्मूला अलग है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया है. डेप्थ में जो है इट इज लाइक दिस, मतलब जितना डीप जाओगे ना उतना जी वैल्यू कम कम होते जाएगा. तो ये डेप्थ का फॉर्मूला है, बट जरूरत नहीं तुम लोगों को, तुम लोगों से इतना याद रखना है कि जी वैल्यू विल डिक्रीज व्हेन वी गो डीप इनसाइड अर्थ एंड एट सेंटर जी विल बी जीरो. ओके, ये तीन चेंजेस हमने पढ़ा बराबर. कौन सा चेंजेस पढ़ा? चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. क्या होता है सर्फेस ऑफ अर्थ पे? सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? यस, हाँ दर्शन, हाँ, सरफेस ऑफ अर्थ मतलब इक्वेटर एंड पोल, याद रखने का, बराबर है ना. सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब वही है ना, राइट. सो इक्वेटर पे जी वैल्यू इज लेस, पोल पे जी वैल्यू इज मैक्सिमम. ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल बराबर जी इंक्रीजेस, राइट. फिर दूसरा हमने पढ़ा था चेंज विथ हाइट, जितना हाइट बढ़ेगा जी वैल्यू कम होते जाएगा. फिर चेंज विथ डेप्थ, जितना डेप्थ बढ़ेगा मतलब अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे जी वैल्यू कम होते जाएगा, जितना डीप जाएंगे डेप्थ इंक्रीजेस जी वैल्यू डिक्रीजेस. मेरे स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया? नो मिस, नॉट. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे मास एंड वेट, दोनों में क्या फर्क है. मास एंड वेट, एनीबॉडी नोज अबाउट इट? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास का मतलब मालूम है किसी को भी? मास, हाँ कम ऑन स्पीक अप, पता है कि नहीं पता है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ना उसके बारे में. एनीवन, नहीं मालूम है? अच्छा, मास और वेट. चलो हम लोग अपना अपना ह्यूमन बॉडी का देखते हैं. अपना जो बॉडी है किससे बना हुआ है? सेल्स है, टिश्यूज है, बोन्स है, बराबर है ना. अपना बॉडी में क्या है? सेल है, टिश्यू है, बोन्स है, ये सारी चीजें है ना अपनी बॉडी में, बराबर है. तो वो सारा मिला के मास बनता है, ये बॉडी का मास है. समझ में आया? बॉडी का मास क्या है? सेल्स, टिश्यूज, बोन्स, राइट. वो सारा चीज मिला करके बॉडी का मास बन रहा है. तो मतलब बेसिकली मास क्या होता है? मास जो है मैटर है जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है. इट इज अ अमाउंट ऑफ मैटर. ह्यूमन बॉडी में भी बॉडी मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर,
बराबर है. सो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, करेक्ट. ये पार्ट है. लेकिन वेट जो होता है, वेट क्या होता है, जो बॉडी को अट्रैक्ट करता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, उससे वेट मिलता है. मतलब फॉर एग्जांपल, अभी जो मास है बॉडी का, मास पर्टिकुलरली से ऐसा ले लेते हैं कि से 10 kg है. मतलब बोन्स का, इसका, उसका, सबका हम लोगों ने चेक कर लिया, तो मास जो हम मिला है केजी, 10 kg मिला. लेकिन अर्थ पे जब हम उसका वेइंग मशीन पे देखेंगे तो 10 × 9.8 बराबर है ना, जी वैल्यू भी आ जाएगा. क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, मतलब जो फोर्स है जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, बराबर. सो 10 × 9.8 बन जाता है 98 kg उसका वेट होगा. अगर बॉडी का मास, बॉडी का मास अगर 5 kg है, सो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके हिसाब से 48 kg समथिंग उसका वेट हो जाता है. तो बेसिकली वेट क्या होता है, वेट जो है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी जो भी वैल्यू मिलता है, बराबर है. वेट इज नथिंग बट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, है ना. इसको बोलेंगे वेट इज व्हाट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी. ये जो मास है ये चेंज नहीं होता है, बराबर है. मास तो सेम रहता है, डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज ऑन अनदर, ऑन प्लैनेट्स, है ना. प्लैनेट्स पे चेंज नहीं होते रहते, अलग अलग प्लैनेट्स पे चेंज नहीं होता है, करेक्ट. लेकिन वेट जो है चेंज होता है, बराबर है. चेंजेस ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, करेक्ट. चेंजेस ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. तुम लोग को मालूम होगा कि अर्थ पे वही बॉडी का वेट अलग होता है, मून पे बॉडी का वेट डिफरेंट होता है, बिकॉज मून पे जी वैल्यू चेंज हो जाता है, राइट. तुम लोगों को पता है मून पे जो है जी वैल्यू कितना होता है, 1/6 ऑफ अर्थ. जी ऑफ मून जो होता है इट इज लेस, मतलब कितना, 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, ठीक है. तो मतलब इमेजिन करो, अगर अर्थ पे आपका वेट 60 kg है तो मून पे जाकर के सिर्फ 10 kg होगा, बॉडी एकदम हल्का हो जाता है. समझ में आया? यस मिस. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर? सो दैट मींस मास जो है दैट रिमेन्स सेम, बराबर है. मून पे रहो, अर्थ पे रहो, कहीं पे भी रहो, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा, करेक्ट. अच्छा, अभी मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेकिन वेट का यूनिट न्यूटन, है ना, क्योंकि ये फोर्स है ना. तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, करेक्ट. या तो ये स्पेलिंग लिख सकते हो. Is this clear? जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, सबको मालूम है ना. स्केलर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है इसमें. ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, बराबर, मास. लेकिन जो वेट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. सो ये जो हो गया डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मास और वेट का फर्क मालूम पड़ा सबको? यस मिस. यस मिस. हाँ, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट?
नाइस ओके सो अभी जो है हाँ नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फ्री फॉल के बारे में. फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल तुम लोगों को वर्ड से मालूम पड़ रहा है, फ्री फॉल मतलब क्या? एनीबडी जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करो जो भी समझ में आता है. फ्री फॉल कभी बोलेंगे, कब बोलेंगे कि बॉडी फ्री फॉल है, फॉलिंग फ्रीली? बड़ी हाँ हेलो, किसी को भी कुछ भी मालूम है इससे रिलेटेड कुछ भी? फ्री फॉल नहीं मालूम है, फॉलिंग विदाउट एनी फोर्स. हाँ अभी जैसे कि ऐसा ले लेते हैं ओके एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट. बाकी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे. अभी जैसे ये ऐसा टावर ले लेते हैं, बराबर है ना, ये टावर पे से यहाँ पे से बंदा अगर इधर खड़ा है ठीक है, यहाँ से ये चीज को फेंक रहा है ठीक है, ये जब चीज नीचे गिर रहा है तो सिर्फ टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है ना. व्हेन एनीथिंग इज फॉलिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी है ना, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी वी कॉल इट इज व्हाट? फ्री फॉल. मतलब दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें. अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ये बॉडी ऐसे नीचे गिर रहा है कंप्लीटली, जैसे जोर से हवा आ गई बराबर है, तो क्या होगा? बॉडी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फिर वहां पे वो फ्री फॉल नहीं होगा. मतलब वहां पे दूसरा फैक्टर भी आ गया ना, रेजिस्टेंस आ गया किसी और का. तो फ्री फॉल का बेसिकली सिंपल मीनिंग है व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी चीज को नीचे फेंक दिया अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ इट. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट में मालूम है, ये ध्यान अभी जैसे लिफ्ट का, हाँ लिफ्ट का देख लेते एग्जाम्पल. लिफ्ट में जब नीचे आता है लिफ्ट, लिफ्ट ऊपर जा रहा है बराबर है, लेकिन अगर ये केबल है उसका लिफ्ट का करेक्ट, लेकिन अगर जब केबल मालूम है कट जाता है, ये ब्रेक हो गया, केबल को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाता है? लिफ्ट क्या होता है? फॉलिंग फ्रीली है ना, क्योंकि दूसरा कोई उसको रोक नहीं रहा है बराबर है, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे हम लोग. अभी इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्री फॉल जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट मुझे बताना था ठीक है. फ्री फॉल में फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एयर का ऑपोजिशन ये सब नहीं होता है ठीक है, ये सब उसको अपोज नहीं करते हैं. तो ट्रू फ्री फॉल मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट फ्री फॉल हम लोग कहाँ पे देखेंगे मालूम है? वैक्यूम में. वैक्यूम में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्री फॉल. किसी ने देखा है ऐसा? बहुत सारा अच्छा कंसेप्चुअल वीडियो था जिसमें मालूम है वैक्यूम में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था. वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट था कि एक मेटल बॉल है और एक फेदर है, दोनों को एक साथ में गिराएंगे तो एक ही टाइम पे नीचे गिरता है बिकॉज वैक्यूम है ना, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो एक ही साथ में एक ही टाइम पे गिरते हैं दोनों भी ओके. तो ये फ्री फॉल से कंसेप्ट में है. फिर अभी देखते हैं, अभी इसमें सपोज अगर ये ग्राउंड लेवल ले लेते हैं ठीक है, अभी ये बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका ठीक है, या बॉडी को नीचे की तरफ फेंका. जब हम लोग बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ठीक है, सो जी वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है. अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किधर आता है? नीचे की तरफ, लेकिन हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी.
इसमें बॉल नीचे आ रहा है तो जी क्या होगा, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन याद रहेगा तुम लोग को, कभी पॉजिटिव लेना है कभी नेगेटिव लेना है। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो जी माइनस हो जाएगा, और जब बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो जी प्लस हो जाएगा। ओके और तुमने पढ़ा है ना काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या क्या था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है ना। तो यहाँ पे यू का वैल्यू क्या होगा, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यू वैल्यू जीरो हो गया तो वी इज इक्वल टू यू जीरो हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी ना, नीचे ऊपर फेंक रहे हैं ना हम लोग, तो ये पार्ट जो है अगर, हाँ ये सिचुएशन में अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला पार्ट में, हाँ यहाँ पे ये यू वैल्यू जीरो, ठीक है, ये फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे ना, ये फ्री फॉल हो गया बराबर है कि नहीं, इसको फ्री फॉल बोलेंगे बराबर है, ये फ्री फॉल नहीं है, दिस इज नॉट फ्री फॉल, करेक्ट ना, ये पार्ट समझा सबको, अगर मैं बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ तो फ्री फॉल नहीं है, राइट, यस और नो, हाँ यू इज इक्वल टू जीरो ना, तो यू इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी है ना, तो फॉर्मूला क्या मिला, वी इज इक्वल टू जी टी, क्लियर हुआ, देखो वी का फॉर्मूला मिल गया फ्री फॉल में, बराबर, फ्री फॉल में और क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो ये पहला फॉर्मूला मिला, अभी दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला कौन सा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, यहां से भी हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू जीरो था तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी किसका मिल गया मुझे, फ्री फॉल का फॉर्मूला मिला, तो फ्री फॉल में ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ये सेकेंड फॉर्मूला मिल गया। थर्ड वाला कौन सा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, करेक्ट है ना, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, जीरो, राइट, तो क्या बचा, टू जी एस, ये मुझे मिल गया थर्ड फ्री फॉल का फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं फॉर फ्री फॉल, When a body is falling freely, we can use sums में हम लोग ये तीनों formula use कर सकते हैं। Is this clear to everyone? Yes. Yes, teacher. Yes. हाँ, correct. ये चीज ध्यान में रखना free fall के लिए। सो फ्री फॉल का पढ़ लिया, मास एंड वेट का पढ़ लिया है ना, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिया, करेक्ट, हाँ, मुझे एक डाउट था, फ्री फॉल का जो फॉर्मूले थे उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, फिर v is equal to 0 plus gt कैसे हो गया, मतलब a था ना, तो यहाँ gt, हाँ हाँ a के बदले में हम लोग acceleration ना, a के बदले में हम लोग क्या लिख, g लिख सकते हैं, मतलब मैं acceleration, देखो जब गाड़ी है ना कार, अगर मैं कार लेती हूँ बराबर है, तो कार कैसे जाता है, ऐसा जाएगा ना, ठीक है, कार ऊपर से नीचे नहीं जाएगा बराबर है कि नहीं, स्ट्रेट जाएगा, हाँ, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, करेक्ट, ठीक है, लेकिन चीज ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो वहां पे जी आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है उसमें, अंडरस्टूड, यस मिस, हाँ, इसके लिए ए की जगह पे हम लोग जी लिखेंगे जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, और नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस जी लिखेंगे, इज दिस कंसेप्ट क्लियर,
बॉल को ऊपर फेंकोगे तो जी आ जाएगा उसके अंदर, बराबर। लेकिन बॉल को सीधा फेंकोगे मतलब ग्रेविटी की तरफ नहीं भेजोगे, अर्थ की तरफ नहीं फेंकोगे, राइट, तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ ओके बेटा, ठीक है ऋषिका। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला, अभी हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब जैसे कि सेम ये अर्थ हो गया, ये हो गया रेडियस, ठीक है, और ये है प्लैनेट, ये प्लैनेट हो गया जिसको मैंने डॉट से दिखाया बिकॉज सर्कल बना रही तो पता नहीं क्या हो रहा उसको, हाँ ठीक है, प्लैनेट हो गया। अगर ये प्लैनेट सरफेस पे होगा तो डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर, है ना, लेकिन ये प्लैनेट अगर दूर हो गया तो डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर, ओके, प्लैनेट इधर ई आएगा। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेज दैट, अभी यहां पे कैपिटल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम, मतलब ये मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल एम मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर, ठीक है। अगर ये प्लैनेट पास में है ना तो ये स्मॉल एम ले लिया, तो इसको पहला फिलहाल हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, दिस पार्ट आई विल जस्ट रिमूव, ओके, तो ये हो गया। तो प्लैनेट के अंदर, प्लैनेट जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी, इसके लिए माइनस साइन आया, इसके लिए कौन सा साइन आया यहाँ पे, माइनस साइन। तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मालूम होगा ना, एम जी एच, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, एम क्या है इसमें, मास ऑफ द प्लैनेट, यहां से भी ले सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर सपोज मैं बोलूं एम जी एच से लेना है तो ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू कितना था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर था ना, करेक्ट। तो अगर ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हाइट भी तो आर ही है ना, ये कट हो जाता है, तो देखो इतना आ गया कि नहीं आ गया, समझा कैसे आया है वो, तुम लोग को ये वाला पार्ट नहीं दिया है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आता है, तुम लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, कितना हाइट बढ़ेगा ना, सपोज एच हाइट बढ़ गया, यहां पे आ गया प्लैनेट, बराबर, एच हाइट बढ़ गया वहां पे प्लैनेट आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, करेक्ट, ये आ जाएगा। दोनों का फर्क मालूम पड़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी कभी है एट सरफेस, एट सरफेस
ऑफ अर्थ, ये पोटेंशियल एनर्जी कभी है? एट ए हाइट फ्रॉम अर्थ। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि डिस्टेंस मतलब हाइट जितना कम होगा, हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ दो फॉर्मूले तुम लोग को ध्यान में रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, और एट ए हाइट फ्रॉम अर्थ कितना होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, क्लियर हुआ? ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये कहाँ से आया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम पड़ा, एम जी एच से ही निकाला है मैंने, ठीक है? ये दो फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ। ये कैपिटल वर्ड यूज किया है ना, मतलब वो अर्थ से रिलेटेड है, मास ऑफ अर्थ। ओके तुम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम पड़ा क्या है? यस मिस। ठीक है, ये दो फॉर्मूला तुम ध्यान में रखना है, ठीक है? सरफेस पे एंड एट ए हाइट। हाइट को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? जितना दूर दूर लेके जाएंगे वो वैल्यू। ओके अभी हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी, अच्छा अभी एस्केप मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब क्या होता है? दूर भाग जाना, बराबर है? तो जैसे अगेन अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, बराबर है? और ये हो गया अभी जैसे कि प्लैनेट यहाँ पे है, पहले प्लैनेट ये पार्ट हो गया, ये प्लैनेट है, ठीक है? प्लैनेट या तो सैटेलाइट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? जो भी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट एनीथिंग। प्लैनेट, ओके। सो अगर प्लैनेट अभी कहाँ पे है? एट सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर है? प्लैनेट अभी कहाँ पे है? एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये पहला कंडीशन है अपना, ठीक है? सो एस्केप का मतलब क्या होता है कि जब प्लैनेट या तो सैटेलाइट, इसको मास, इसको मैं ले लेती हूँ सैटेलाइट या कोई बॉडी है ना, इसका मास कितना है? इसका मास है स्मॉल m, बराबर है? ये सैटेलाइट ले लिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग भेज रहे हैं ऊपर, है ना? अभी ये सैटेलाइट को एस्केप होना है, ठीक है? तो उसके पास इतना सारा एनर्जी आना चाहिए कि वो एस्केप हो जाएगा, बराबर? मतलब जितना जितना दूर दूर जाएगा उतना उतना क्या होता जाएगा, जी वैल्यू कम कम होते जाएगा, तो एस्केप होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो चलो एट सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या वैल्यू आ जाएगा उसका? अभी एट सरफेस यहां से इसको एस्केप होना है, इसको क्या होना है? एस्केप होना है। तो कौन सा वेलोसिटी से एस्केप होगा? वी, बराबर है? वी वेलोसिटी। सो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच
बॉडी एस्केप फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी है ना, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल गया, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, जो मिनिमम वेलोसिटी है. सो एट सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, बराबर है ना. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सरफेस पे उसको एस्केप होना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ कौन एस्केप हो रहा है, सैटेलाइट एम वी स्क्वायर. तो वी एस्केप वेलोसिटी से जाएगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये सैटेलाइट के पास कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, बराबर. पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, याद है हमने पढ़ा था अभी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन सरफेस पे है ना, तो आर आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इसके पहले बताया था. देखो सरफेस पे आर है, हाइट पे आर प्लस एच है, करेक्ट. तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा फिर ये, हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप वाला वेलोसिटी बराबर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये मिल गया मुझे टोटल एनर्जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. इतना समझा सबको, क्या किया हमने, सरफेस पे निकाला कि ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो कैसा होगा. yes. अभी दूसरा सिचुएशन क्या होगा, जब ये एस्केप होके यहां तक पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है. सो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से बहुत दूर गया, तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना. इन्फिनिटी पे पहुंच गया मतलब वहां पे स्पीड खत्म, स्पेस में चला गया, बराबर है. तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो गया, जीरो. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बराबर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जी एम अपॉन आर एच, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी ना, मतलब क्या हो गया अपने पास, माइनस जी एम एम कहाँ पे गया, इन्फिनिटी पे गया ना. कोई भी चीज अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है. एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, राइट. तो अपने पास टोटल एनर्जी कितना मिल गया, जीरो, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे. समझ आया तुम लोगों को, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया. इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो इन्फिनिटी पे एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकल गया ना, स्पेस में चला गया, तो वेलोसिटी वहां पे हो गया जीरो, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है. इतना समझ में आया सबको, अभी दोनों को इक्वल कर दोनों एनर्जी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बिकॉज एनर्जी तो खत्म नहीं होती ना, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट. सो एनर्जी इक्वल हो जाएगा, मतलब पहला वाला एनर्जी इज इक्वल टू दूसरा एनर्जी, पहला एनर्जी मतलब एट सरफेस वाला, दूसरा एनर्जी मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इन्फिनिटी वाला. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So, ये कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी के साथ माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू, ये मिला था जीरो, अभी इसको उस तरफ लेके जाएंगे, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, करेक्ट. अभी एम और एम कैंसिल हो गया, सो वी एस्केप स्क्वायर
कितना हो गया, टू उधर चला जाएगा, जी एम अपॉन आर हो गया, बराबर। सो एसके वेलोसिटी कितना मिला, रूट के अंदर आएगा, रूट टू जी एम अपॉन आर, ये हो गया एसके वेलोसिटी। मतलब बॉडी को अगर एस्केप होना है, अर्थ से दूर चले जाना है, तो उसके अंदर ये स्पीड होना चाहिए। और वो स्पीड कितना होता है पता है, एस्केप वेलोसिटी, इसको हम लोग इसमें भी ले सकते हैं पता है कैसे, टू कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम मालूम है, स्मॉल जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो जी एम क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर, ये डाल सकते हैं ना इसमें, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर कट हो जाएगा, तो वी एस्केप कितना मिला फिर, रूट ऑफ टू जी आर, बिकॉज ये हो जाएगा कैंसिल। ये भी एक और फॉर्मूला मिल गया तुम लोग को, नया फॉर्मूला, तो वी एस्केप जो होता है फ्रॉम अर्थ, वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड से अगर बॉडी के पास ये स्पीड आ गई ना, तो वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप हो जाएगा। अंडरस्टूड, कुछ समझ में आया क्या किया यहाँ पे, यस हैव यू ऑल अंडरस्टूड और नॉट, हाँ बताओ जरा क्या हो गया, यस आकांक्षा, आकाश, अंशिका, दर्शन, समझा क्या किया, यस मिस, यस टीचर, जयसन, हाँ जीविका, कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ मुझे, मैम ये लास्ट वाला एस्केप, ये वैल्यू जो दिया मैं, ये वाला मैम उसके ऊपर से जो कैलकुलेशन किया ना, ये वाला जो है ना, ये वाला मालूम है, ये फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, एसके वेलोसिटी वाला, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, यस मिस, ये समझा, दोनों एनर्जी को मैंने इक्वल कर दिया, अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक टोटल एनर्जी सरफेस में मिला मुझे, फिर हाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना मिला, जीरो, तो दोनों को इक्वल कर दिया, फिर मुझे एस्केप का फॉर्मूला मिला, ये पूरा नोट्स है ना, जितना भी है तुम लोग एक बार वापस से पूरा लिखोगे और सबमिट करोगे ना ग्रुप में, ठीक है, ऐसा देखने से नहीं आएगा। फिर एस्केप वेलोसिटी मैंने क्या किया, जीएम का वैल्यू कितना है, जी आर स्क्वायर, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस तो फॉर्मूला मुझे मिल गया वी एस्केप का, ओके। तो ये इतना पार्ट है, ये तुम्हारा थियरी यहाँ पे खत्म होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मैं पीडीएफ भेजती हूँ, पूरा लिखोगे, हाँ लिख के सबमिट करोगे, ओके ओके देन, चलो बाय एवरीवन।